Hi guys, welcome to the Study Destination. अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बारे में। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से पूरे राज्य में बहुत सारी परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर नाइन्थ स्टैंडर्ड तक की एग्जाम नहीं हुई, सिर्फ टेंथ और इलेवेंथ की हुई। उनका रिजल्ट लग चुका है। डिग्री डिप्लोमा के किसी भी स्टूडेंट्स की एग्जाम नहीं हुई है, चाहे वो आर्ट्स में हो या कॉमर्स में, साइंस में, मेडिकल, इंजीनियरिंग। डिग्री डिप्लोमा आर्किटेक्चर, फार्मेसी, डिप्लोमा डिग्री, इनकी एग्जाम नहीं हुई थी। लॉकडाउन की वजह से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को आगे भेज दिया गया, लेकिन थर्ड ईयर वालों के एग्जाम के अलावा डिग्री कैसे मिलेगी। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि एग्जाम के बिना डिग्री नहीं दे सकते। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC ने 30 सितंबर तक एग्जाम लेने की अनुमति दी थी, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 30 सितंबर ये डेडलाइन नहीं रहेगी। हर एक यूनिवर्सिटी को UGC के गाइडलाइंस पर चलना होगा और कोरोना की हालत देखकर डेट डिक्लेयर करनी होगी। आइए जानते हैं कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। नंबर वन, लास्ट ईयर एग्जाम इज कंपलसरी, लेकिन स्टेट्स को एग्जाम लेने के लिए पीरियड बढ़ा के मिल सकता है। नंबर टू, लास्ट ईयर एग्जाम के अलावा किसी भी स्टूडेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी पास नहीं कर सकती है। नंबर थ्री, स्टेट गवर्नमेंट ने UGC के साथ एग्जाम डेट्स के बारे में चर्चा करनी ही होगी। आइए देखते हैं इस पर UGC का क्या कहना था। नंबर वन, एग्जाम लेकर डिग्री देना यह सिर्फ और सिर्फ UGC का अधिकार है, इसमें स्टेट्स को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। नंबर टू, एग्जाम के बिना डिग्री नहीं दे सकते क्योंकि एजुकेशन लेवल इससे कम होगी। नंबर थ्री, एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी ले सकते हैं। नंबर फोर, जो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम पैंडेमिक कंडीशन की वजह से नहीं दे सके उन्हें सेकेंड चांस दिया जाएगा। अब UGC की जो जीत हो गई है, हर एक राज्य के यूनिवर्सिटी को अब एग्ज़ाम लेना अनिवार्य है। यूनिवर्सिटी डेट्स कभी भी डिक्लेयर कर सकती हैं, लेकिन दोस्तों, जो जो फाइनल ईयर में हैं वो पढ़ाई शुरू करें और ख़ुद को बुलंद करें, क्योंकि नो एग्ज़ाम नो डिग्री। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।